के कवायद के मुताबिक और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बेबूदी यकजहती और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगी कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगी जो क्याम पाकिस्तान की बुनियाद है मैं अपने जाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी कि मैं इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगी और उसका तहफ्फुज़ और दफा करूंगी और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिलाखौफ और रियायत और बला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगी अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। अच्छा एक ऐलान है जी कि माज़ज़ अरकान असेंबली वज़ीर-ए-आला का इंतखाब मोरखा 1 मार्च 2024 बरोज़ जुम्मा 10 बजे होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी आज मोरखा 29 फरवरी 2024 बरोज़ जुमरात 3 बजे सुपेर तक सेक्रेटरी सूबाई असेंबली के पास दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात की जाँच पड़ताल आज ही यानी जुमरात मोरखा 29 फरवरी बावक 4 बजे से पैर स्पीकर के चैम्बर में होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी इंतखाब से पहले किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं। वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए तफसीली तरीक़ाकार से मुतल्लक नोटिस तमाम मेंबरान असेंबली की सहूलत की खातर ईवान में पहले ही तकसीम किया जा चुका है। द सिटिंग इज एडजर्न टिल 10 AM Friday, 1st March 2024.